हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड पॉडकास्ट्स। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि मैं इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा DF तक पहुँचूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। और काफ़ी सारे एक्चुअली लोग हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, 80% ऑलमोस्ट लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। सो गाइस, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और मुझे भी इस जर्नी में सपोर्ट करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके ड्रीम में कब आते हैं। इस टॉपिक पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी सारे DFs को जो है क्लैरिटी भी नहीं होती है कि क्या मतलब है अगर उनके डिवाइन मस्कुलाइन उनके ड्रीम में आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, डिवाइन मस्कुलाइन जब ड्रीम में आते हैं तो इसका मतलब है कि डिवाइन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो उनके बारे में बतानी होती है। कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो उनके बारे में आपको देना होता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो है बार बार आपके ड्रीम में नहीं आते हैं। बहुत ही रेयरली जो है डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन अपने ड्रीम में दिखाई देते हैं। तो फिर जब आपकी जर्नी का स्टार्ट हो रहा होता है, आप स्टार्टिंग के फेजेस में होते हो, आपको उनके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो, या फिर आप उनसे मूव करने के बारे में सोचते हो, यानी कि मूव ऑन करें और किसी और के साथ डेट करें या शादी कर ले, ऐसी चीज़ें। तो फिर उस वक्त जो है अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं हुई कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप एक ट्विन फ्लेम हो, इस वजह से भी वो जो है आपकी ड्रीम में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि आप जो है उनके बारे में सोचो और इस कनेक्शन के बारे में जो है रिसर्च करो, पता लगाओ कि आप क्या हो। और अगर आप मूव ऑन भी करने की कोशिश कर रहे हो उनसे ये सब जानते हुए भी, तब भी जो है डिवाइन मस्कुलाइन आपको ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो जनरली जो है डिवाइन फेमिनाइन को जर्नी के स्टार्टिंग में डिवाइन मस्कुलाइन ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है आपका जब सेपरेशन पीरियड चल रहा होगा और आप जब हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो आपकी, तो फिर उस ड्यूरेशन भी अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ हो रही है और वो आपको जानना ज़रूरी है, तब भी डिवाइन मस्कुलाइन को आपको ड्रीम में दिखाया जाता है। यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है, हर्ट की एनर्जी में है, पेन हो रहा है उन्हें, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको डिवाइन के द्वारा ये चीज़ें जो है चैनलिंग की जाती है। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन आपको तब ड्रीम में दिखाए जाते हैं जब वो जो है आपके लिए कुछ फील करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो आपके लिए केयर फील कर रहे हैं और या फिर लव फील कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको ड्रीम में भी इसी तरह के ड्रीम्स के थ्रू उन्हें दिखाया जाएगा कि हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन आपके बारे में इस वक्त ये सोच रहे हैं। ये ज़्यादातर तब ड्रीम में आता है जब डिवाइन मस्कुलाइन जो है आपको आपका प्यार, मतलब उनका जो प्यार है आपके लिए, वो कन्फेस नहीं करते हैं, वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन में भी आपको इस तरह के मैसेजेस जो है डिवाइन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपको किसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर रहे हो जो आपको पता नहीं है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन वो आकर अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो आपको बिना बताए, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा डिवाइन फेमिनाइन पर एक नज़र रखे हुए होते हैं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, भले ही वो आपसे सेपरेटेड भी क्यों ना हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी क्यों ना हो। तो फिर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए कि वो आपको दिखाया जाए डिवाइन के द्वारा। तो ये भी आपको दिखाया जा सकता है कि वो आपको किसी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो आपसे मूव ऑन करने के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, तो ये चीज़ें भी ड्रीम के द्वारा आपको बताई जाती हैं। और फिर उसके बाद जब डिवाइन मस्कुलाइन जो है आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं और वो क्या सोचते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको बताई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आपसे मिलना चाहते हैं, तो फिर बार बार ऐसा दिखाया जाएगा कि वो आपके साथ है, आपके पास बैठे हुए हैं और कुछ आपकी बातें हो रही है, या फिर जस्ट वो आपको हग कर रहे हैं वगैरह। इस टाइप के ड्रीम्स भी दिखाए जाते हैं,
लेकिन ये लास्ट टाइप के ड्रीम्स जो है आपको रियूनियन से पहले भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। जब भी जब यू नो डिवाइन मस्कुलाइन अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को वर्बलाइज नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर ही अंदर सोचे चले जाते हैं, तब भी डिवाइन जो है आपको इस ड्रीम के द्वारा ये साइंस देता रहता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन का ड्रीम में आना डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन जब जब आता है तब तब कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें रिवील करनी होती है, तब भी वो ड्रीम में दिखाए जाते हैं। ये सारे ड्रीम्स जो है आपको डिवाइन दिखाते हैं। सो चलिए गाइस, आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।